तीन दशक के बाद भी 1984 सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 34 साल के बाद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्र कैद की सजा दे दी। बता दें कि 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में 3,325 लोग मारे गए थे। इनमें से 2,733 सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे, जबकि कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मारे गए थे। सज्जन कुमार को दिल्ली के कैंट इलाके में आपराधिक षड्यंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया था। इससे पहले 1984 सिख दंगा मामले में 2013 में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि सज्जन कुमार के अलावा बाकी और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसमें पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य लोग शामिल थे। कोर्ट ने अपने आदेश में इनको दंगा भड़काने का दोषी माना था और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, भागमल और गिरधारी लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के इस फैसले को दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा सीबीआई और पीड़ितों ने भी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और सज्जन कुमार समेत सभी दोषियों का आरोप साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। सज्जन कुमार के बाद दिल्ली के दूसरे बड़े नेता कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर भी आरोप लगे हैं। उन पर दिल्ली के बुलबंगश इलाके में गुरुद्वारा के सामने 3 सिखों की हत्या करवाने का आरोप है। हालांकि सीबीआई अभी तक टाइटलर पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सज्जन कुमार की सजा के बाद क्या जगदीश टाइटलर की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। 2010 में इन दंगों में संलिप्तता को लेकर कमलनाथ का भी नाम सामने आया था, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनका ये नाम दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई हिंसा में सामने आया था। उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि यदि वो गुरुद्वारे की रक्षा करने पहुंचे थे तो उन्होंने वहां आग में चपेट में आए सिखों की मदद क्यों नहीं की। वहां पर उनकी मौजूदगी का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में भी किया गया है और इन दंगों की जांच को लेकर नानावती आयोग के सामने एक पीड़ित ने अपने हलफनामे में भी उनका नाम लिया है। कांग्रेस के दामन पर इन दंगों को लेकर गहरे दाग लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा कटघरे में रही है। आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या निकल कर सामने आएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।